नमस्कार। आज पेट के बल लेटे करने वाले आसनों की सीरीज में हम सीखेंगे सर्पासन करने की सही विधि। सर्पासन, सर्पासन मतलब सर्प जब अपने कंफर्टेबल पोज में आना चाहता है तो जिस स्थिति में वो रहता है, हम भी उस स्थिति में जाकर के उस आसन की स्थिति में पहुंचकर उस स्थिति का लाभ ले पाए। किन किन बीमारियों में उस स्थिति में पहुंचने का लाभ होता है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। सबसे पहले ये आसन चूंकि पेट के बल लेटकर करने वाला आसन है, तो हम पेट के बल लेटे, दोनों पैर बिल्कुल फैले हुए सीधे, दोनों पैरों की एड़ियां और पंजे मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ शरीर के बगल में लेके आए। अब हम स्थिति पोजीशन से स्टार्टिंग पोजीशन में जाएंगे। दोनों हाथों को पीठ की तरफ ले जाकर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में बाइंड कर लेना है, कर लेना है। अब हम श्वास को भरते हुए सबसे पहले अपने माथे को, फिर नाक को, फिर चिन्ह को, फिर गर्दन को और फिर सीने को उठाते हुए हाथों को ही पीछे से ऊपर की तरफ उठाएंगे। मतलब हमारा सिर ऊपर की तरफ उठा, चिन ऊपर की तरफ उठी, गर्दन से ऊपर की तरफ उठाते हुए सीने को ऊपर उठाया और साथ में फिर हमने अपने दोनों हाथ जो ग्रैस्प करके रखे थे पीठ पर, उनको भी ऊपर की तरफ उठा के रखा। आप देख रहे हैं श्वास को भरते हुए इस आसन को करना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस आसन से अपनी स्थिति पोजिशन में जाएंगे। आपने देखा कि श्वास को भरते हुए जैसे जैसे हम अपने माथे को उठाते हैं, फिर नाक को उठाया, फिर चिन को उठाया, फिर गर्दन को उठाया और फिर सीने को उठाया। इसका मतलब है चेस्ट एक्सपेंशन जितने अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं, पूरा का पूरा सीना जो है वो खुलना चालू हो रहा है, फेफड़े पूरे अच्छी मात्रा में एक्सपेंड होना चालू हो रहे हैं और साथ में चूंकि यहां आपने अपने दोनों हाथों को पीछे पीठ पर बाइंड करके रखा हुआ है, तो यहां आपका क्लेविकुलर जो शोल्डर डिस्टेंशन हो रहा था, शोल्डर डिस्टेंशन से शोल्डर जो आपका स्रज होता है वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो जिन लोगों के शोल्डर ड्रूपिंग की समस्या होती है, एक बार फिर से देखेंगे आसन में, आपने दोनों हाथ पीछे पीठ पर ग्रैस्प करके रखे, अब आप माथे को उठा रहे हैं, फिर आप नाक को उठा रहे हैं, फिर चिन को उठा रहे हैं, फिर आपने अपनी गर्दन को उठाया, फिर आपने अपने कंधों को उठाते हुए हाथों को भी ऊपर की तरफ है। तो जो शोल्डर ड्रूपिंग का केस होता है, जो आगे झुक के चलते हैं, जो हमेशा ही आगे झुके रहते हैं, आजकल ये समस्या बहुत बढ़ती हुई चली जा रही है कि गर्दन भी आगे की तरफ झुकी है, कंधे भी आगे की तरफ झुके हैं, सीना बिल्कुल धसता जा रहा है और पीठ पर कुबड़ जैसा निकलता आ रहा है। उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए यह आसन बहुत इफेक्टिवली काम करेगा, साथ में श्वसन से संबंधित समस्याओं को सही करने का काम करेगा। और अगर आपकी गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन में अगर पोस्टीरियर बल्ज नहीं है सर्वाइकल स्पाइंस पर, तो यह आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिवली पेन मैनेजमेंट में काम में आने वाला आसन है। और साथ में चूंकि ये स्पाइनल स्ट्रेच का काम कर रहा है, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के लिए भी यह आसन बहुत इफेक्टिव होगा और साथ में स्पाइनल मसल्स को टोन्ड करने के लिए भी यह आसन बहुत काम में आने वाला होता है। तो श्वास संबंधी सारी समस्याओं में इस आसन को करके आप लाभ पा सकते हैं। श्वास भरते हुए आसन में गए थे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन में वापस आएंगे, ये इस आसन को करने के लाभ होते हैं। केवल इस आसन में आपको जो ध्यान रखना है, केवल इतना सा ध्यान रखेंगे, सावधानी जो है, अगर आपने गर्दन के दर्द के लिए MRI कराई है और उसमें पोस्टीरियर सर्वाइकल लेवल पर सर्वाइकल डिस्क जो है पोस्टीरियर रीजन पर आ रही है, तो फिर आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिवली जो चेस्ट एक्सपेंशन की कंडीशन है उसको लाने का काम करेगा, चेस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में रहना चालू होगी, श्वसन की दर जो है धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। आज से कुछ समय पहले लगभग 12 से 16 तक श्वसन की दर मानी जाती थी, अब वो जो है वो 16 से 18 पर आना चालू हो गई है। और अगर इसी तरीके से हम अपने फेफड़ों पर ध्यान नहीं देंगे, फेफड़ों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके ये श्वसन की दर बहुत जल्दी ही 24 को क्रॉस करना चालू करेगी
और जैसे ही 24 को क्रॉस करना चालू करेगी, हम बहुत जल्दी जल्दी में शैलो ब्रीदिंग तो हम सबकी हो ही गई है, हम चैन की सांस नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर हम इस आसन को नियमित 5 से 7 बार और एक बार में अगर हम होल्ड कर पाए तो 30 सेकंड के लिए होल्ड करके इस आसन का रिपीटेशन करते हैं, तो निश्चित ही यह आसन हमारे लिए फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने का भी काम कर सकता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में बताए गए कंटेंट्स अच्छे लगे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो फिर आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।